सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप गाइस आप सब अच्छा होगे। तो गाइस आप लोगों को पता होगा जन्माष्टमी कुछ दिन में आने वाले है, तो गाइस मैं सोचा इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो गाइस फाइनली वीडियो आ चुका है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना होगा। और गाइस आप लोग को ये एडिटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आप लोग भी कुछ हिसाब से एडिटिंग करते तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग करने बिल्कुल ही ना मिला, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर मैंने जो भी कुछ यूज किया जैसे कि बैगनर और पीएनजी, ये सभी का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को पिक्चर को ओपन करके आपको ऐसे इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग को ओपन करना होगा, ओके। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को क्या करना, ये आने एडिट के अंदर, ओके। आने के बाद आप लोग को ऐसे एक पेंज मिलेगा, सिंपल से वो पेंज का आप लोग को ऐड करना होगा। देन इस पेंज का आप लोग को रोटेट करना होगा, इसलिए आप लोग को रोटेट के अंदर रहना है। तो इस पेंज का आप लोग को रोटेट करके आपको ऐसे ये पर आप लोग को सेट कर लेना होगा, ओके। इसके तो साइज काल के छोटा कर दीजिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया। तो गाइस आप लोग को से क्या करना, फिर से आपको ने आर्डर के अंदर, ओके, आने के बाद आप लोग को ऐसे आपने मॉडल कट कर दीजिए। तो गाइस आप लोग को बैकग्राउंड एरेंज करने आते तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो को देखने के बाद अपने बैकग्राउंड को इजिली इरेज कर सकते हो, बहुत अच्छे। तो गाइस आप लोग को से क्या करूंगा, स्टेप को पॉज ले जाना है। देन गाइस आप लोग को से फिर से आपका ने आर्ट के अंदर आने के बाद आप लोग को से क्रिस्टल वाली पेंज मिलेगा, सिंपल से वो पेंज को आप लोग को ऐड करना होगा। तो इस पेंज को साइज कल कैसे क्या करूंगा, हल्के से बड़ा करके ये पर आप लोग को से अपने मॉडल के हिसाब से आपको सही तरीके से एडजस्ट करना होगा, ओके। तो गाइस आप लोग को लेयर के अंदर रहना है, तो इस पेंज को आप लोग से मूव डन कर दीजिए, ये मॉडल के पीछे चले जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस आप लोग को से क्या करूंगा, इसे डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया, ओके। तो ये पर आप लोग को से क्या करूंगा, फिर से आप लोगों ने आर्डर के अंदर आने के बाद आप लोग को से एक ब्लर वाली फ्लैग वाली पेंज मिलेगा, सिंपल से वो पेंज को आप लोगों ने ऐड करना होगा। तो ये पर आप लोग को इस वाली पेंज करना होगा। देन इस पेंज को साइज करके से बड़ा करके इसको ऐसे ऊपर में आपको एडजस्ट कर लगाना होगा, ये बहुत अच्छा लुक देगा, आप लोगों ने इसको जरूर ऐड करना होगा, ओके। देन गाइस आप लोग को डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया। तो गाइस आप लोग को सीखी करूंगा, फिर से आप लोगों ने आर्डर के अंदर आने के बाद आप लोग को से एक टेस्ट वाली पेंज मिलेगा, सिंपल से वो पेंज को आप लोगों ने ऐड करना होगा, ओके। तो इस पेंज को साइज कल के सीखे करूंगा, हल्का छोटा कर दीजिए, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, आप लोगों ने हल्का छोटा करके इसको ऊपर में आपको एडजस्ट कर लगाना होगा। देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया। तो गाइस आप लोग को सीखे करूंगा, फिर से आप लोगों ने आर्डर के अंदर आने के बाद आप लोगों को से एक और ग्रास वाली पेंज मिलेगा, ओके। तो गाइस वो पेंज को आप लोगों ने ऐड करना होगा। तो गाइस आप लोगों को से ये वाली पेंज कट करना होगा। देन इस पेंज को साइज करके से बड़ा करके इसको ऐसे नीचे आपको एडजस्ट कर लगाना होगा। देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो गाइस आप लोग देखे से तो गाइस हमारे एडिटिंग को ये 50% हो चुका है, और 50% एडिटिंग करने के लिए इस फोटो को लाइट रूम के अंदर ओपन करना होगा। तो गाइस आप लोग देखे से तो गाइस मैं आ चुका हूँ लाइट रूम प्लेस के अंदर। तो गाइस सबसे पहले आप लोग अपने फोटो को मैनुअल एडजस्ट करना होगा, इसलिए आप लोग को लाइट के अंदर रहना है। तो सबसे पहले आप लोग को इसका एक्सप्लोर हल्के से बढ़ा दीजिए, ऐसे आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट को प्लस करना होगा, और इसका हाईलाइट हल्के से माइनस करके शैडो हल्के से माइनस कर दीजिए, व्हाइट हल्के से प्लस कर दीजिए, ओके, और इसका जो ब्लैक हल्के से माइनस कर दीजिए। तो गाइस आप लोगों को क्रॉप के अंदर रहना है, ये पर आप लोग कैसे व्हाइट कलर में आना है, ये जो धागो का हल्के से ऊपर तरीके से ले जाना है, ओके। तो गाइस आप लोग इसको दूसरी बार आप लोग को टैप करके हल्का से नीचे तरीके से ले जाना है। तो ये पर आप लोग को सीखी करूंगा ब्लू वाली कलर के अंदर रहना है। तो गाइस आप लोग कैसे कुछ स्टेप आप लोग को एडजस्ट करना होगा, जैसे गाइस मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी कुछ स्टेप आप लोग कैसे एडजस्ट करना होगा, ओके। देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया। तो गाइस आप लोग को से क्या करूंगा कलर के अंदर रहना है, इसके जो टेम का हल्का से कैसे क्या करूंगा हल्का से प्लस कर दीजिए, और इसके जो टेन का आप लोग को अपने फोटो के हिसाब से रखना होगा, जैसे गाइस मैं यहाँ पर प्लस कर दिया, वाइब्रेंस को प्लस करूंगा, और इसके जो सेचुरेशन हल्के से माइनस करूंगा। तो गाइस आप लोग को मिक्स के कलर के अंदर रहना है, इसके जो रेड कलर का आप लोग को इसके सेचुरेशन हल्के से माइनस कर दीजिए। तो गाइस आप लोग को ऐसे यस आने क्या करूंगा ऑरेंज कलर के अंदर रहना है, सेचुरेशन से प्लस करेंगे, और इसके लुमिनस हल्के से प्लस करेंगे।
ओके तो गाइस आप लोग को से येलो कलर माना है, इसका ह्यू को आप लोग को ऐसे माइनस कर दीजिए और इसके जो सेचुरेशन को आप लोग को हल्का से प्लस कर दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप लोग को ऐसे ग्रीन कलर के अंदर रहना है, इसका ह्यू को आप लोग को अपने फोटो कैसे रखना होगा। ओके तो गाइस मैं ग्रीन रख रहा हूँ, तो गाइस आप लोग को अपने फोटो कैसे रखना होगा। देन गाइस आप लोगों ने इसे ब्लू वाले कलर के अंदर रहना है, इसका ह्यू को आप लोग को ऐसे हल्का से प्लस कर दीजिए और इसके सेचुरेशन आप लोग को हल्का से माइनस कर दीजिए। देन गाइस आप लोगों को डन करके बैक आ जाना है। तो ये आप लोग को से क्या करना है, इफेक्ट के अंदर रहना है, टेक्सचर हल्का से प्लस करेंगे। ओके क्लैरिटी के ऊपर माइनस करेंगे, तो गाइस क्लैरिटी हल्का से प्लस कर दीजिए और डिजिटल हल्का से प्लस करके इसको बिगिनिंग हल्का से माइनस कर दीजिए, बहुत अच्छा है। तो ये आप लोग को ऐसे ट्रायंगल के अंदर रहना है, शार्पिंग को बढ़ाना होगा, नॉइज रिडक्शन इसको थोड़ा बढ़ाना होगा और इसका कॉन्ट्रास्ट हल्का से बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखे थे तो गाइस बिफोर फोटो कैसे था, अभी अपडेट फोटो कैसे हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।